आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नेम डायनेमिक नेम सिस्टम। डिफाइन नेम और डिफाइन नेम से होने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लोग ज्वाइन हैं, सिर्फ आई थिंक रमेश जी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम लिखे, मान लीजिए कुछ रेंज है, जैसे A1, V1, C1 आप देख रहे हैं। तो रेंज एक्सेल इसको रेंज की तरह, रेंज जो है इस रेंज को लेके चलता है। लेकिन अगर आप इसका डिफाइन नेम कर, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका डेटा में जाके मैंने डिफाइन नेम जो जिसमें फॉर्मूला में होता, माफ कीजिएगा, डिफाइन नेम दे दिया मैंने इसको डेटा। अब एक्सेल इसको डेटा नाम से करेगा, माफ कीजिएगा, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, डीटी कर देते हैं। एक्सेल जो है अब इसको डीटी के नाम से जानेगा, कहीं भी हम इसको यूज करेंगे तो सम और यहाँ पे डीटी हो जाएगा, राइट। तो अब बात आती है इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है। चलिए इनके बेनिफिट्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम सेल्स देते हैं, कुछ नंबर दे देते हैं। सबसे छोटा बेनिफिट है, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा मैं, पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ इसमें। तो ये हमारा आ गया। अब सबसे छोटा डिफरेंस ये है कि मान लीजिए मुझे इसका परसेंटेज निकालना होता है और परसेंटेज हमेशा F1 में होता है, ठीक है, परसेंटेज जो हमेशा F1 में होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हमने मल्टीप्लाई बाई F1 कर दिया, F1 मान लीजिए यहाँ पे 20% है, तो 20% यहां निकल के आ जाता है, ठीक है सर। लेकिन होता क्या है कि इसे नीचे ड्रैग करने के लिए फिर मुझे इसको F2 से इसको फ्रीज करना पड़ता है, F4 से माफ कीजिएगा, तब जाके इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं, तो क्या होता है। आपका ये हमेशा सेम चीज होता है। तो इतना तो फ्रीज तो आपने कर लिया, तो जब आपको एक बार लगाना था, चलो आपने इसको फ्रीज कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि मुझे इसको बहुत सारे जगहों पर यूज करना है, तो इसको हम डिफाइन नेम में जाएंगे और यहां पर मान लीजिए कि हम ले देते हैं PER के नाम से नाम लगे देते हैं। अब मुझे अब कहीं भी करना होगा, इस फाइल के अंदर हम मल्टीप्लाई बाय PER कर देंगे, हमारी रिजल्ट निकल जाएगा। तो ऐसे रेफरेंस जिसका यूज आपको बहुत सारे जगहों पे करना है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला पहला ओके सर। सर ये पी क्या बोल रहे, सर ये PER का यहाँ पे क्या मीनिंग है? PER मतलब ये इसका रेफरेंस हो गया। अब मान लीजिए आप मुझे कहीं फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, यहाँ लगाऊं चाहे कहीं भी लगाऊं, ऐसे मान लीजिए कि एक ही चीज को, एक ही रेफरेंस को मान लो परसेंटेज दिया हुआ है, इसको मुझे बहुत सारे जगहों पे यूज करना होता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो उस केस में। तो आपका मतलब जैसे PER हम कहीं भी लेते हैं तो वो रेफरेंस जो हमने डिफाइन किया है उसके लिए रेफरेंस ले लेगा, हाँ, ठीक है ठीक ना, जी, ठीक है ठीक, आगे बढ़े जी। ये तो हो गया। दूसरा बात आते हैं कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके लिए। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे
क्वार्टर वन का सेल है एंड क्वार्टर टू का सेल है, मान लीजिए, राइट। तो मुझे यहां पे ग्रोथ चाहिए होता है। तो पोलन क्या है कि आपको ग्रोथ का फॉर्मूला पता है, यहां पे ग्रोथ चाहिए होता है, तो आपको ग्रोथ का फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला लगा लेते हो, लेकिन ये फाइल आप यूज नहीं कर रहे हैं, कोई और यूज कर रहा है। जैसे आप ग्रोथ का फॉर्मूला होता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और फिर इसको परसेंटेज में देते हैं ताकि पर इसे ब्रैकेट में देते हैं ताकि कैलकुलेशन बोर्ड मास मेथड के थ्रू हो, तो रिजल्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो पोलन क्या है, ए आप लगा लेते हो क्योंकि आप जानते हो, लेकिन एफ आपने जो फाइल है किसी और थर्ड पर्सन को दे रखा है, ठीक है, और उसको बार बार आपको बताना पड़ता है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम ये जो यहां पे डिफाइन नेम में जाएंगे और यहां पे जिया नाम दे दिया और यहां पे हम फॉर्मूला डाल देंगे कि बी टू माइनस ए टू डिवाइड बाई ए टू, और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। और ध्यान रखिए यार, डॉलर नहीं होना चाहिए, डॉलर आएगा तो ये फिक्स हो जाता है। अब यहां पे मैं जी आर लगा देता हूं, ठीक है, वापस तो आप जिसको दिया आपने उसको जस्ट बोलोगे कि भाई आप जी आर इस्तेमाल करो इसमें, ठीक है सर। अब इसमें एक चीज और सर बताता हूँ आपको, जैसे कि याद होगा मैंने आपको एमआरपी का फॉर्मूला बनाया था, यहाँ पे कॉस्ट है 50 और ये हमारा एमआरपी है। तो एमआरपी निकालने के लिए हमने क्या किया था कि एमआरपी का है कि 5% का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन मैन्युफैक्चरर लेता है, टेन परसेंट आपका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 15% होलसेलर लेता है, 20% आपका मैन्युफैक्चर लेता है। तो याद है आनंद जोशी जी एंड आलोक जी, इसके लिए मैं कितना लंबा मामला लिखा था, याद है, लिख के बताऊँ आपको मैं। नहीं सर, याद है। हाँ तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला मेनू बार में जाएंगे, डिफाइन नेम, और यहाँ पे एमआरपी का नाम दे दिया, नहीं एमआरपी नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें हम देंगे मैन्युफैक्चरर कॉस्ट एमसी, और मैन्युफैक्चरर कॉस्ट को बोल रहा हूँ कि बी टेन मल्टीप्लाई बाय 5%, और फिर इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं प्लस B10, राइट। और फिर वापस ये होलसेलर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा एमसी, मतलब मैन्युफैक्चरर कॉस्ट का 10%, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे हम एन, उसके बाद होलसेल कॉस्ट SC, SC, और यहां पे हो जाएगा DC का 15% प्लस DC, एंड ओके, और फिर डिफाइन नेम में
लास्ट में एमआरपी, और एमआरपी होगा एससी होलसेलर कॉस्ट का 20% प्लस होलसेल कॉस्ट, समझे। तो इस तरह से फॉर्मूला को सिंपलाइज आप कर सकते हो कि इक्वल एमआरपी, रिजल्ट आपके सामने है। इसके लिए याद होगा कितना बड़ा फॉर्मूला लिखे थे, आई थिंक 7 या 10 लाइन के फॉर्मूला को लिखा था मैंने। सर आई थिंक मैं नहीं था जब आपने ये कराया हुआ एमआरपी। अनुज जी नहीं पता आपको ये? चलिए नहीं सर। मैं करके दिखाता हूँ, मैनुअल कैसे करेंगे। यस सर। मैं इसको मल्टीप्लाई बाई करता हूँ 50, इससे 50 का मल्टीप्लाई बाय 5% प्लस 50 जोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर इसको बोला कि इसको मल्टीप्लाई करो 10%, और फिर मैंने बोला कि इसमें इसको प्लस कर दो, राइट है। और इसको फिर हमने मैन्युअली टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट एंड 20%, फिर इसको हमने कॉपी किया। आनंद जोशी जी, समझ में आया था इसको कि नहीं आपको? यस सर, याद है मुझे। हाँ ए तो, चलो ए तो हम ए हो गया ना, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन जो बताया मैंने, ए जो बताया एम आर पी, ये समझ में आया आपको? जी सर, दोनों दोनों समझा मुझे। इस तरह से एक दूसरे पेश करते चले जाएंगे और फॉर्मूला लेंदी होता चला जाएगा, समझे। ऐसे फिर इसको उठा के इससे पेश करेंगे, इससे पेश करेंगे, तो फॉर्मूला लेंदी है, लेकिन फॉर्मूला सिंपलाइजेशन इसको सिंपली बना दिया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसी और एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए सेल्स, यहाँ पे एक और बार और लिखता हूं मैं। इस फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, इस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा ये होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको बताया था कि इसमें 0 to 40, 41 to 60, 61 to 80 एंड ग्रेटर 81 to 100 और ग्रेटर देन 100। इसके लिए हमने आपको स्लैब बताया था, याद है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला के साथ लंबी फॉर्मूला लगाया था, तो इसके लिए हमने यहां पे दिया था कि इफ, अगर इसको सेलेक्ट किया कि अगर ये ग्रेटर देन लेस देन, माफ कीजिएगा, कि लेस देन इक्वल टू 40 हुआ, देन अगर इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 60, सॉरी माफ कीजिए, 500 तो लिखा नहीं मैंने, 500 ग्रेटर देन लेस इक्वल टू 60 जो की होगी हमारी 50 1000। देन अगेन इफ इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 1500, अगेन इफ इसको सेलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 100 100। हियर इज लेस देन 80।
क्या बोल रहा है? जो ईप की नेस्टेड फॉर्मूला है, थर्ड में ए टू लेस देन और इक्वल टू ए टी आएगा ना सर? हाँ यहाँ ठीक है। तो इधर हमने फॉर्मूला हुआ, तो गलती होनी लाजमी है। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ डिफाइन नेम दे गया, फॉर्मूला के डिफाइन नेम दे, और यहाँ पे मैंने मिला लिया आई एल सी नाम का एक नेम मैनेजर, और इक्वल टू उस फॉर्मूले को मैंने पेस्ट करके ओके कर दिया। अब मुझे फॉर्मा लगाना होगा नीचे कहीं, क्या लिखूंगा आई एन सी और इसको सिलेक्ट करके एंटर मार दूंगा, तो सुविधाजनक हो गया क्या सर? कोई डाउट सर इस पे? नहीं नहीं सर, गोट इट। चलिए आगे बढ़े। तो ये था हमारा नेम मैनेजर, कि आप नेम मैनेजर को यूज करके किस तरह से फॉर्मूला को सिंपलाइज कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या सर? बात करते हैं डेटा मेनू में एक्सटर्नल डेटा सोर्स। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने अलग डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर तो हम चाहते हैं कि अभी क्या है कि हम बात कर रहे हैं डेटा को लिंक करने की। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा नाम का फाइल है, मैं एक बार डेटा नाम का फाइल मेरे इसी खुला है, इसी को ओपन करता हूँ। और इसमें हमारे पास यहाँ C12 में डेटा है, राइट? तो C12 में हमारे पास डेटा है। अब मुझे इस डेटा को लिंक करना होता है हमारे इस डेटा यहाँ पे डेटा से। तो जनरली लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करके इसको तो सिलेक्ट करते हैं या कॉपी करते हैं। तो ये लिंक जो होता है फॉर्मूले के थ्रू होता है, और फॉर्मूले के थ्रू लिंक होने का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका फाइल सही तरीके से वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा हैवी फाइल हो जाती हैंग हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है एक्सटर्नल डेटा सोर्स से, और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है। अगर नॉर्मल लिंक अगर करते हैं इस तरह से इक्वल से, तो क्या होता है कि कल के डेट में अगर डेटा इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स से लेने का बेनिफिट क्या होता है, देखिए बताता हूँ।
और यहाँ हम आते हैं, पहले हम बात करते हैं फॉर्म एक्सेस पे, क्योंकि इसमें एक्सेल तो है नहीं और मुझे लिंक करना है एक्सेल टू एक्सेल को, बट यहाँ पे एक्सेल अवेलेबल नहीं है। तो ये एक्सेस डेटाबेस है, इसी को सिलेक्ट करके मैं ऑल फाइल करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक्सेल की फाइल भी दिखने लगेगी, ऐसे एक्सेल की फाइल नहीं दिखेगी। तो ऑल फाइल कर लीजिए, फिर डेटा को सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन, और यहाँ से अपना सीट, जिस सीट पे डेटा आपको लगाना है सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। डेटा एज ए टेबल चाहिए, एज ए पिवट टेबल चाहिए, डिसाइड कीजिए एंड ओके कीजिए। अब ये आपका डेटा उस सीट से लिंक हो गया। सीट पे जैसे डेटा चेंज होगा, ऐसे यहां भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। तो एक्सेल टू एक्सेल को आप एज ए पिवट या एज ए एक्सटर्नल पिवट टेबल ऐसे लिंक करेंगे। कोई डाउट आपको इसमें? नहीं सर। सही है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे एमएस एक्सेस से लेके आना हो डेटा, तो कैसे लेके आएंगे? सिंपल, यहाँ पे डेटा मेनू बार में जाएंगे, एमएस एक्सेस, और यहाँ पे हम अपना डेटा सिलेक्ट, यहाँ पे डेटा एक्सेस की जहाँ लोकेशन वहां जाएंगे, एक्सेस की फाइल सिलेक्ट करेंगे और डेटा को ठीक है। अब एक्सेस का इस्तेमाल कहाँ होता तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमें दो डेटा को शेयरिंग रिलेशन या कंबाइन करके हमें पिवट लगाना होता है, उस केस किसका यूज करते हैं? ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मैं चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। हम बात करने जा रहे हैं दो डेटा टेबल, दो डेटा को पिवट लगाने की बात कर रहे हैं। यहां पर डेटा वन है, ये हमारे पास डेटा टू है। नेम, मजेदार, ये देखिएगा, ये हमारा पिवट। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों डेटा को पे पिवट लगाना है। डेटा वन नहीं समझ लिए कि ये मान लीजिए 2016 का डेटा है और ये हमारा 2017 का डेटा है। ठीक है, ये हमारा 2016 का है, ये हमारा 2017 का है। हाँ मयूर जी, हाँ हेलो विनीत जी, गुड मॉर्निंग। आप ठीक है? मैं क्लास से मेल तो कर चुका था मैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, रमेश जी। हाँ हाँ
नहीं, रमेश जी के पास मेल पहुंच गई है सर, ये 12:04 पे पहुंचा है। वो दे बोलिए अजी, स्कैम में चेक कीजिए तो। इसमें दोबारा भेज रहा हूँ, मैं भेज दिया, बाकी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं आपको मैसेज किया। ठीक। तो 2016 एंड 2017 का पिवट है, और ये 2000 पिवट टेबल यहाँ दिख रहा है आप। तो कैसे करें, क्योंकि एक एक्सेल में क्या है कि हमें डेटा को एक सीट पे कुलेट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, मुझे एक डेटा को इस पे कुलेट करना पड़ेगा, एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पिवट लगानी पड़ेगी। प्रॉब्लम समझ में आया सर? और हम कुलेट करना नहीं चाहते, हम कुलेट को उसको कुलेट करना नहीं चाहते। हेलो रमेश जी, सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ जी सर, ओके। तो यहां पे सुन रहे हैं सर। एक प्रॉब्लम, यहां देखिए प्रॉब्लम ये है कि 2000 मेरे पास दो डेटा है, 2016 का है, 2017 का, मुझे इस पे पिवट लगाना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पिवट किसी भी दो डेटा पे पिवट नहीं लगेगा जब तक कि उसको कुलेट नहीं करेंगे तब तक। तो एक के नीचे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के जरिए और दूसरा है एमएस एक्सेस के जरिए। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी तो मैं बहुत बता पढ़ाया हूँ बच्चों को, एमएस एक्सेस के थ्रू मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। देखिए इस फाइल को हम क्लोज करेंगे और हम एमएस एक्सेस डेटाबेस खोलेंगे। और क्योंकि लिंक होना चाहिए ना, जैसे मैं जैसे रिफ्रेश करूं तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी होना चाहिए, मतलब डेटा को एडिशन ऐड करूं तो भी इफेक्ट होना चाहिए। तो एक ब्लैंक डेटाबेस लेता हूं जो कि डेटाबेस 17 है, और उस पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं यहां से एक्सटर्नल डेटा सोर्स से, फ्रॉम फाइल एक्सेल फाइल, और यहां पे लिंक कर देता हूं, और फिर मैं लोकेशन से एमपी बट ऊपर गया। ओके। और इसमें हमें बताना पड़ेगा कौन सा टेबल, मैंने बोला 2016 का टेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके। 2016 आ गया। ऐसे 2017 है या कोई और सीट है, सारे सीट को ऐसे ही करना पड़ेगा। लिंक ब्राउज करके ब्राउज एंड ओके। 2017 को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अब मुझे अब दोनों को इन, ये तो अलग अलग डेटा है, अब मुझे दोनों को मर्ज करना है, दोनों को मर्ज करना है। तो क्रिएट में हम जाते हैं क्यूरी पे, डिजाइन क्यूरी पे। एक को लिया, अब इसी के नीचे मुझे दूसरा चाहिए, तो कैसे होगा? तो यहां क्यू, यहां व्यू पे मैं एसक्यूएल व्यू पे जाता हूं। एक स्क्वेल में एक कमांड होता है यूनियन ऑल का, अब इसको यूनियन ऑल, और यहां पे 2016 की जगह पे हम 2017 ले लेते हैं।
तो ये देखिए यूनियन क्वेरी बन गया, अब से क्लिक कीजिएगा। सही तो है, आया कि नहीं? अच्छा ठीक है, यहां पे देखिए दोनों डेटा को इसने मर्ज कर दिया। तो मैंने क्या किया, हमने यूनियन ऑल कमांड का यूज किया इसमें सिक्वल में। तो मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले किया क्रिएट, पहले तो मैंने दोनों डेटा को इम्पोर्ट कर लिया एक्सेस में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डिजाइन क्यूरी पे गया और मैंने यहाँ पे एक टेबल को, या शो टेबल पे, एक टेबल को हमने यहाँ पे, दोनों टेबल यहाँ पे, हाँ दो टेबल को ऐड किया, एक को डबल क्लिक कर दिया। फिर इसकी व्यू क्यूरी पे गया, एसक्यूएल क्यूरी में, तो यार आया सिलेक्ट 2017 स्टार मतलब ऑल फ्रॉम 2016 फाइल। बस इसी को कॉपी की कर किया और नीचे पेस्ट कर दिया, और जहां 2016 था वहां पे 2017 कर दिया, और जहां पे 2017 था वहां पे 2016 कर दिया, दो टेबल इसलिए। और यहां पे हमने सिंपल यूनियन ऑल नाम का कमांड लगा दिया और सेव कर दी क्यूरी को। तो एक क्यूरी क्या करता है, एक क्यूरी करेगा कि दोनों डाटा को एक के नीचे मर्ज कर देगा, राइट। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, उसके बाद हम अपना एक्सेल फाइल पे जाते हैं, जो हमारा एक्सेल फाइल है, ये नहीं है एम डेटा वाले, एमपी वाले। और यहां पिवट पे मैं, यहां पिवट कर लीजिए या डेटा कर लीजिए, पिवट ही मान लीजिए, पिवट पे इस पे क्लिक करो या फिर डेटा से करो, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और यहां डॉक्यूमेंट में हम एमएस एक्सेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट किया एंड ओपन, ठीक है, नहीं आ रहा। लोगों ने डेटा विजुअल, ऐसा क्यों नहीं और ना स्पोर्ट क्यों नहीं हुआ है? एक्सपोर्ट होना चाहिए।
इतना एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन इंपोर्ट नहीं हो रहा है। कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा लग रहा है। और हो सकता है ठीक है। तो पिवट आया तो पिवट टेबल भी आ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सेस डेटाबेस जो हम ओपन कर रखे थे उसमें जो हम लिंक कर देते हैं तो लिंक के ऊपर क्यूरी रन करता है बट वो क्रॉस टैब क्यूरी और जो बाकी जो यूनियन क्यूरी है वो रन नहीं करता है। तो हमने क्या किया, एक और क्यूरी बिजार हमने यहां पे कर लिया जिसमें उस क्यूरी वन को रन कर रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये था जो एक्सेस से था। एक दूसरा तरीका भी है, अब चलिए दूसरा तरीका बताता हूं, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। दूसरा तरीका यह है कि हम डेटा मेनू बार में जाएंगे नया टाइम में और यहां फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, फ्रॉम अदर सोर्सेज में फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी इसको सेलेक्ट करेंगे। एक्सेल फाइल्स एंड ओके, और अपना एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। एमपीवर हाँ एंड ओके। फर्स्ट टाइम देखिए यहां पे दिखेगा नो विजुअल टेबल, तो ऑप्शन में आइए, सिस्टम टेबल दिख रहा है ना, फर्स्ट टाइम एक ही बार दिखेगा एरर, इसके बाद सेकेंड टाइम एरर नहीं दिखेगा। फर्स्ट टाइम आपको एरर दिखेगा नो विजिबल, सिस्टम टेबल्स पे क्लिक कर दीजिएगा क्या दिख जाएगा। अब किसी एक को लीजिए, किसी एक को और पूरा इसको कर लीजिए पूरा। आ गया पूरा 2016 को। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ व्यू डेटा एडिट क्यूरी माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एंड बिलिंग्स, क्योंकि मुझे इसमें यूनियन का व्यू लगाना है ना इसमें। और यहाँ एसक्यूएल दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, चाहे पूरा रखने की भी जरूरत नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये दे दिया हमने, और इसको कॉपी करते हैं, यहां देते यूनियन ऑल और इसके नीचे डाल देते हैं स्टार ए, और 2016 का जो 17 कर देते हैं यहां पे। आ गया, और फिर फाइल में आते हैं, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड ओके। हमने एज ए टेबल ले लिया, एज ए पिवट लेता तो एज ए पिवट आता। समझ में आया आप लोगों के? नहीं आया? यस सर।
या दोबारा बताऊं? रमेश जी समझ में आ गया सर। हाँ जी सर आ गया। हर किसी को आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। इस फीचर से क्या हुआ, इस फीचर से आपके हुआ कि आप दो पिवट डेटा को कुलेट कर रहे हो एसक्यूएल की मदद से एक ही में। यूनियन ऑल क्या कर रहा है कि दोनों करता है, यूनियन सिर्फ करोगे तो सिर्फ उसी को करेगा जो मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अब इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपको सिक्कुल की नॉलेज होनी चाहिए। और हालांकि सिक्कुल क्वेरी में किस कोर्स में आपको कराऊंगा, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स कर रखा है उनके लिए, लेकिन एक्सेस के साथ बाद में। लेकिन अगर आप अभी एक काम करें, एक आर्टिकल मैं आपको देता हूं, अगर उस आर्टिकल पे जाएं तो आपको वहां पे एसक्यूएल क्यूरी के कमांड पता चल जाएंगे। मैं भी देता हूं, हाँ ये रहा। इसमें सिलेक्ट क्यूरी को पढ़ लीजिए एसक्यूएल में। सिलेक्ट इसमें बहुत सारे कंडीशन भी है कि अब मैं सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहता हूं तो अपने पिवट के अंदर, या सिर्फ मैं पुणे का चाहता हूं, या दिल्ली या पुणे दोनों का चाहता हूं, या किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में है। तो ये आपके सारे चाहते, मुझे इंटरसेक्ट चाहिए, या लाइक चाहिए, या यूनियन यूनियन ऑल चाहिए, ये सारे कंडीशंस है। तो मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके बारे में कल और नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो आज मैंने दो टॉपिक को खत्म किया। पहला एक्सटर्नल डेटाबेस, कि किसी अलग डेटा सोर्स से कैसे लाएंगे डेटा, जैसे एक्सेल से, एक्सेल से, और एक्सेल में जाओ, नीचे जाओगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। और चीज है, मैं और चीज बताने से, फ्रॉम वेब वेबसाइट से जला सकते हैं, नोटपैड से, इसके बाद एसक्यूएल सर्वर से ला सकते हो, ठीक है, या ऑरिकल से ला सकते हो। ठीक है, हेलो जी।